अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम चीटिंग है, ये नहीं चलेगी। कोई चीटिंग नहीं, ओके? इस गेम में मजा नहीं आ रहा, कोई दूसरा गेम खेलते हैं। पर सब गेम तो पुराने कैसे पिटे हैं, कुछ नया नहीं है। हे चिड़ियो, तुम्हें मेरा ही मुंह दिखा क्या बीट करने के लिए? बच्चों आ जाओ, तुम सब के लिए गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, जल्दी आ जाओ। थैंक यू दादाजी। तुम लोग सुबह से खेलने में लगे हो, बरसात का मौसम है, ठंड लग जाएगी, इसलिए ये गर्मा गर्म दूध तो ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें जुकाम नहीं होगा, समझ गए? अभी देखना दादाजी कितना परेशान होते हैं। ओहो वीर, तुम्हें जुकाम हो गया है, इसी का डर था। चलो जल्दी जल्दी घर चलो, तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं खेलना चाहिए, चलो। दादाजी आप हमेशा भूल जाते हो कि मैं एक रोबोट हूँ, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रोबोट को जुकाम नहीं होता। शैतान, ये मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ है? क्योंकि मैं तुम्हें तो रोबोट समझता ही नहीं। ओके, एंजॉय बच्चों, चलता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। जिंटू क्या कर रहे हो? ये जादू खत्म करो। नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ इसे वापस कर दो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। भागो यहाँ से, ये मेरा रेनबो है। जिंटू बंद करो ये जादू, पूरी दुनिया को दिखाओगे क्या? नहीं, हमें बहुत मजा आ रहा है। मम्मी, वीर ने ना आसमान से रेनबो गार्डन में मंगवा लिया है और वो मुझे रेनबो में नहीं खेलने दे रहा। ओए क्या बोल रहे हो, रेनबो भी कभी नीचे आ सकता है क्या? हाँ मम्मी, वो देखो वहाँ। बंटी मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जाओ और मुझे काम करने दो। पता है क्या हुआ था? सर मैडम, वहाँ गार्डन में वीर इमली सब रेनबो पर खेल रहे हैं। क्या बात करते हो, रेनबो पर? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, रेनबो पर, रेनबो गार्डन में उतर आया है, सच्ची। ओके चलो देखते हैं, तो मुझसे तो झूठ नहीं बोलोगे। चलिए। ये तो मैजिक है, अमेजिंग, ये तो सच में जादू है। मजा आ गया, स्कूल के दिन याद आ गए। बंटी भागो यहाँ से वरना मार खाओगे। मैं नहीं भागता, मैं भी छूटूंगा, ये गार्डन सबके लिए है, समझे? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। मिस्टर कैक्टस, आप इस गार्डन के सिक्योरिटी ऑफिसर हो, इस लड़की को यहाँ से भगा दो। भगा दो, देखता हूँ कौन मुझे भगाता है। जिंटू बंद करो ये जादू, मैं कहता हूँ बंद करो, लोग क्या कहेंगे? वीर तुम हमेशा यही कहते हो, लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं और मुझे क्या अच्छा लगता है इसकी तुम्हें परवाह नहीं। आज मैं तुम्हारी एक नहीं मानूंगा। जिंटू तुम्हें मानना ही
पड़ेगा। बंद करो। नहीं 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 मानूंगा, नहीं मानूंगा। वीर मुझे बाद में रोकना, अब पहले इनको रोको। हाँ? चिंटू क्या किया तुमने? रुको। ये रेनबो। चिंटू मेरे दोस्त, इतना किया है तो कुछ गाजर भी भेज दो। अरे अरे ये गाजर मेरी है, मेरे लिए गिरी है। ओए, ये कैसे हो सकता है? रेनबो नीचे कैसे आ सकता है जी? हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता। आ गया है, आ गया है, वो देखो। अब सोच क्या रही हो? चलो मस्ती करते हैं। खतरे में है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जब देखो वीर दूसरों की ही सोचता है, मेरी नहीं सोचता। लोगों को क्या अच्छा लगेगा यही सोचता है, मुझे क्या अच्छा लगता है ये नहीं सोचता। ये झूठ है जिंटू। वीर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हारा मालिक है लेकिन दोस्त की तरह पेश आता है। कभी तुम्हें ऑर्डर नहीं करता, प्यार करता है। दुनिया में सबको जादू नहीं दिखा सकते, लोग फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। सब लोग तुमको पाने के लिए लड़ने लगेंगे। तुम्हारी वजह से वीर खतरे में है। तुम उसके कैसे दोस्त हो? शर्म आनी चाहिए। अपने ही दोस्त को मुसीबत में डाल दिया। वीर जैसा दोस्त चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। जब देखो उसे मुसीबत में डालते रहते हो, वो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहता है। उप्स, सॉरी इमली, सॉरी तुम्हें इस रूप में कभी नहीं देखा। आई एम वेरी सॉरी। चिंटू, सॉरी सॉरी करने से काम नहीं चलेगा, अब चलो वहाँ। ए बच्चन लोग, अरे हमारे पैसे तो दे दो भाई। सॉरी, माफ कर दो मुझे, सॉरी। चिंटू पहले ये जादू खत्म करो। वीर, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं माफी मांगता ही रहूँगा। अरे तुम और कब तक मुझे पिटवाते रहोगे? जादू खत्म करो। जादू तो कभी भी गायब हो जाएगा, पहले मुझे माफ करो। वीर तुम्हारा ये दोस्त बहुत नादान है, ना समझ है, प्लीज उसे माफ कर दो। माफ कर दो वीर, सिर्फ एक बार। वीर माफ कर दो जिंटू को, माफ कर दो। ठीक है, तुम सब कहते हो तो माफ करता हूँ। चलो अब जादू खत्म करो। ओके, थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। वीर तुम जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है। अरे जिंटू बस करो, अब हो गया। नहीं नहीं, पहले मैं ये तो बता दूं, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ हाँ, वीर सबसे अच्छा दोस्त है, अब जादू खत्म करो। ओके थैंक्स। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ओ जी,
हम लोग यहाँ गार्डन में क्या कर रहे हैं? ओह हाँ, हम गार्डन में क्या कर रहे हैं? चलो चलो घर चले, देर हो रही है। बाय सर, बाय मैम। रुको। वीर, बाहर जाकर खेलो, मैं ठीक हूँ। नहीं दादाजी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं मैं खेल कैसे सकता हूँ? तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, हर बच्चे को तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। अब मैं सोना चाहता हूँ, तुम लोग जाकर खेलो। इमली, मेरा तो खेलने का मन ही नहीं कर रहा। क्या हुआ, तुम सब इतनी चुपचाप क्यों खड़े हो? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खेलने का मन ही नहीं कर रहा। तबीयत क्यों ठीक नहीं है, क्या हुआ? दादाजी की ओल्ड एज की वजह से ये सब हो रहा है। ओल्ड एज में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। ये लो, अभी ठीक कर देता हूँ दादाजी को। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब दादाजी की तबीयत खराब नहीं होगी, चलो कुछ खेलते हैं। अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। वीर, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। वो कौन है? वो दादाजी है। इमली ने कहा कि ओल्ड एज की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें यंग बना दिया। अब उनकी तबीयत खराब नहीं होगी। तुम्हारे दादाजी कितने स्मार्ट लग रहे थे। मैं भी जाके देखता हूँ कि मेरे नाना जी यंग होके कैसे दिखेंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमली जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई दादाजी को पहचान ले। बॉस, ये गन कैसी है? ये वायरस बॉल फेंकने की गन। उस जेली बॉल में ऐसे वायरस हैं जो वीर के बदन में चले गए तो उसका इंटरनल कमांड रिसीविंग सिस्टम फेल हो जाएगा। उसकी बॉडी में हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं। वो सब वीर के कमांड पे ही निकलते हैं, लेकिन इस वायरस से उसका कमांड उसके सूट्स और हथियार पे नहीं चलेगा। वो एक नॉर्मल रोबोट जैसा हो जाएगा, विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी सूट। मिया, बॉस, यू आर जीनियस। तुम ये गन लेकर जाओ और अपना काम करो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? मैं अपना काम करने जा रहा हूँ बॉस। मैं कपड़े धो रहा था। कपड़े बाद में धोना। जाओ और वीर के बदन में इस वायरस वाला जेली बॉल मार दो। वो नॉर्मल रोबोट हो जाएगा और उसे उठा के यहाँ ले आओ। याद रहे, निशाना ठीक से लगाना। किसी आदमी के बदन में ये जेली बॉल लग गई तो उसके बदन में इतनी खुजली होगी कि वो परेशान हो जाएगा। मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है बॉस, ये देखिए। वो दिखाओ। अरे अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? वो देखिए, ये चमत्कार कैसे हो गया? दादाजी, ये चिंटू का चमत्कार है। घर चलिए इससे पहले कि कोई आपको पहचान ले। चिंटू, यकीन नहीं हो रहा मैं फिर से जवान हो गया हूँ। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आपको इस रूप में दादाजी नहीं भैया कहने का मन कर रहा है।
हंसी के फवारे यहाँ खत्म होते हैं और आंसुओं की नदियाँ अब बहना शुरू होगी। सॉरी, डोंट माइंड। मुझे कुछ नहीं हुआ इमली, इसकी टॉय गन में तो दम ही नहीं है। गन का दम अभी दिखेगा। दादाजी, आप लोग साइड में हो जाओ। विंग सूट ऑन। उसने गन से तुम्हें जेली बॉल मारा है। उसने तुम्हारे कमांड सिस्टम को करप्ट कर दिया है। तुम्हारे अंदर का सिस्टम जाम हो गया है और कमांड नहीं ले रहा। चलो दोस्तों, इस मामूली रोबोट को उठा के ले चलो। खबरदार मेरे वीर को छुआ भी तो। देख क्या रहे हो? A for attack! नहीं, अब रोबोट्स को बुलाना होगा। इट्स ओके, मैं तैयार हूँ। इन्हें तुम दादाजी को देखो, मैं इन्हें संभालता हूँ। किसी भी रूप पे आ सकता है। दादाजी, यह टाइम एंट्री मारी है।
अरे मेरे से हैंड शेक तो करते जाओ। हे वीर, देखो मेरे नाना जी कितने हैंडसम लग रहे हैं। नाना जी, मीट दादाजी। ओ, आपको भी इसने यंग कर दिया है। ओ नो, चिंटू जल्दी से हमें नॉर्मल करो। ऐसी जल्दी क्या है, चलो दोस्त हम दोनों बाजार घूम के आते हैं, जब घर आ जाएंगे तो वापस नॉर्मल कर देना।